Sallallahu alayka ya Rasulullah. सबसे पहले सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत मैंने अर्ज किया था कि फरिश्तों की नूरानियत के मुखालिफीन कायल है और जो फरिश्तों के आका फरिश्तों के मौला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के मुनकिर फरिश्ते कादार कायनात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के खुताब है उनकी नूरानियत के तो कायल हैं फरिश्तों लेकिन आका की नूरानियत के कायल हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूर है इसके मुनकिर हैं। इसी दौरान एक रिवायत ये भी गुजरी नज़र से कि तारे कायनात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत अरफा व बुलंद वाला है, आपके गुलामों को भी फरिश्तों की मईयत का शरफ हासिल है। चुनांचे इमाम हाकिम मुस्तदरक में इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं, इमाम इब्नुज़्ज़ी ने भी इसे नक़ल किया, इमाम अबू यूसुफ मोहम्मद बिन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सुनन खुदा परेशान में से नक़ल किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अलसाबा में से नक़ल किया, इमाम ज़हबी ने सियर आलाम नुबला में से नक़ल किया, बाज़ लोगों ने इख्तिसार के साथ नक़ल किया, बाज़ लोगों ने तफसील के साथ नक़ल किया। जो हदीस के अल्फाज हैं वो इमाम हाकिम ने मुसद्दरक में बयान किए। एक मौके पर हजरत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थी, सहाबा किराम भी मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अचानक जो है हाथ उठाकर सलाम का जवाब दिया और तादार कायनात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा से फरमाया कि अस्मा ये जाफ़र बिन अबी तालिब है और ये जिब्रील अमीन और मीकाईल अलैहिस्सलाम के हमराह थे और यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया, तुम भी उनके सलाम का जवाब दो। तो यहाँ पर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमराह दो मुकर्रर फरिश्तों का जिक्र फरमाया जो उनके हमराह
हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम थे और हजरत मीकाईल अलैहि सलाम थे। ये हजरत सईदा आसमा बिन उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हजरत जाफर बिन अबी तालिब की ज़ौजा थी, उनकी बीवी थी। तो हुज़ूर ने उनके मकाम मर्तबे की इत्तला देते हुए फरमाया कि अभी अभी यहाँ पर जाफर बिन अबी तालिब गुजरे हैं और उन्होंने मुझे सलाम कहा, तुम भी उनके सलाम का जवाब दो। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने यह भी बयान फरमाया कि उन्होंने आज से 3 रोज पहले जो गज़वे मुता हुआ, उस गज़वे के अंदर, उस जंग के अंदर जो उनके साथ गुजरी, उसका भी जिक्र फरमाया। हुज़ूर फरमाते हैं कि हज़रत जाफर ने कहा कि गज़वे मुता के अंदर कुफार के साथ बहुत खूनरेज़ी हुई और उलमाए सियर बयान फरमाते हैं कि मुसलमानों की तादाद 3,000 थी और ईसाइयों की तादाद 1,00,000 के बराबर थी। कहाँ 1,00,000 कुफार मुशरिकीन और 1,00,000 ईसाई और कहाँ पर 3,000 मुसलमान। हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने 3,000 मुसलमानों को रवाना फरमाया तो उस कस्बे का तस्करा करने थोड़ी देर बाद मैं उसकी थोड़ी तफसील भी बयान करूँगा। ये हाकिम के अल्फाज हैं कि सरकार फरमाते हैं कि जाफर ने मुझसे बयान किया कि गज़वे मुता में बहुत खूनरेज़ी हुई और उस कस्बे में 70 से ज़्यादा तलवारों और नेज़ों के ज़ख़म मेरे जिस्म के अगले हिस्से पर लगे। क्या मतलब हुआ अगले हिस्से पर लगने का? यानी पीठ पर ज़ख्म नहीं लगे, पीछे जख्म नहीं लगे, सामने लड़ रहे थे वो कुफार मुशरिकीन से। ऐसा नहीं है कि आप पीछे मुड़कर किसी और से मुकाबला कर रहे थे या भाग रहे थे उस वक्त जख्म लगे। ये 70 तलवारों और नेज़ों के जख्म जो है हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सामने की तरफ से लगे। फिर हजरत जाफर हुज़ूर की बारगाह में अर्ज करते कि या रसूलल्लाह, कुफार मुशरिकीन से लड़ते लड़ते एक मेरा बाजू कट गया तो मैंने आलम जो है दूसरे हाथ में पकड़ लिया। कुफार मुशरिकीन ने उस हाथ पर भी हमला किया, मेरा दूसरा बाजू भी कट गया। मैंने इस्लामी आलम को, इस्लामी झंडों को जो है अपने दांतों से पकड़ लिया और उसके बाद यलगार करके नसरानियों ने, मुशरिकों ने हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब को शहीद कर दिया। हज़रत जाफर अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उन दोनों बाज़ुओं के एवज़ में 2 पर अता फरमाए और उन्हीं दोनों पर के ज़रिए मैं जन्नत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ उड़ता फिरता हूँ और जहाँ चाहता हूँ मैं जन्नत के मेवे खाता हुआ नज़र आता हूँ। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने बयान फरमाया कि हज़रत जाफर बिन अबी तालिब के साथ उनके मकाम और मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए 2 मलाइका मुकर्रबीन थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। और एक रिवायत जो इमाम हाकिम ने और बयान फरमाई, उसी रिवायत के अंदर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। ये हुज़ूर फरमाते हैं कि असमा, ये जाफर बिन अबी तालिब हैं और ये हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, इनके साथ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, इनके साथ हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं और जो है इन्होंने मुझे सलाम कहा, मैंने इनके सलाम का जवाब दिया, तुम भी इनके सलाम का जवाब दो। इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इतहाफ़िल मुहर्रा के अंदर नक़ल फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सियूती ने जो है इस इज़ाफ़े को जो है जामेउल अहदीस में नक़ल फरमाया। इमाम मकरेज़ी ने इस हदीस को जो है इम्तियाउल असमा के अंदर नक़ल फरमाया और इमाम हाकिम ने भी इस दूसरी सनद के साथ इस इज़ाफ़े का जिक्र फरमाया। तो इस रिवायत से पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के ग़ुलामों की ये शान है, सहाबा की ये शान है कि उनके मकाम व मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए मलाइका मुकर्रबीन
उनके हमरा उड़ते हुए नजर आए। ये तीन मलाइका मुकर्रमीन बड़े फरिश्तों जो फरिश्तों के सरदार हैं, रुसुल मलाइका जिनको कहा जाता है, तो आप गौर करें कि हुजूर के गुलामों की ये शान है कि उनके मकाम मर्तबे को जाहिर करने के लिए, उनके मकाम मर्तबे को बुलंद करने के लिए तीन मलाइका मुकर्रमीन उनके हमरा उड़ते हैं, तो मेरे आका की शान और अजमत का क्या आलम है। तो फरिश्तों की नूरानियत के कायल हैं, लेकिन हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की नूरानियत की मुनकिर है। जब मैंने हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान पढ़ी, तो जस्तजू हुई कि सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी का भी मुताला करने का शरफ़ हासिल करूँ। तो हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बड़ी ईमान अफरोज बातें मालूम हुई, वो बातें भी मैं अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐसे जलील कदर सहाबी हैं कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाज़ाद भाई जनाब मुतालिब के साहबजादे हैं ये, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई, यानी इनके वालिद जनाब अबू तालिब थे और उनकी वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा बिन्त असद, हज़रत अली के वालिद भी हज़रत जनाब अबू तालिब थे और उनकी वालिदा हज़रत सैयदा फातिमा बिन्त असद थी। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे भाई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान कबूल करने के चंद रोज़ बाद ही इन्होंने ईमान कबूल किया। बाज़ उलमा ने बयान किया, अल्लामा इब्ने हज़र अस्क़लानी ने अलसाबा में नक़ल फरमाया कि 25 मुसलमान होने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी मुसलमानों की तादाद जब 25 हो गई तो 26वें मुसलमान ये हुए। और उसी में जिक्र फरमाया कि बाज़ उलमा के मुताबिक जब मुसलमानों की तादाद 30 हो गई तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी 31वें मुसलमान थे। तो हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला ये बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी थे, क़दीमुल इस्लाम थे। इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बड़ी ज़्यादती की जा रही थी, और इस्लाम कबूल करना बहुत बड़ा काम था उस ज़माने में। तो उस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद आपके औसाफ का जिक्र फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके ताल्लुक से फरमाया करते थे कि जाफर तुम मुझसे सीरत और सूरत में बहुत ज़्यादा मुशाबा हो। तो हज़रत जाफर को ये भी शरफ़ हासिल था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सीरत और सूरत में हज़रत जाफर बहुत मुशाबा थे। हुज़ूर ने आपको अबुल मसाकीन का लक़ब दिया था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, और उसका जिक्र उस हदीस में भी है जिसमें 70 सहाबा दूध से सैराब हुए, कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मुझे बहुत सारी आयतें बहुत सारी हदीसें मालूम होती थीं, लेकिन भूख के गलबे की वजह से लोगों को मुतवज्जे करने के लिए कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मैं मालूम होने के बाद भी उनसे सवाल किया करता था ताकि वो जब मेरे गुफ्तगू का अंदाज़ देखें तो मेरी भूख का अंदाज़ा लगा लें, मेरे भूखे होने का अंदाज़ा लगा लें और मेरी भूख का मतावा करने की कुछ कोशिश करें। तो इसलिए मालूम होने के बाद भी मैं सवाल किया करता था। तो कुछ लोग समझ जाते थे कि जनाब अबू हुरैरा भूखे हैं, और उनकी खिदमत किया करते थे, उनको खाना खिला दिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा मेरी खैरख्वाही और मेरी मदद करने वाला हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब को पाया। वो फरमाते हैं कि हज़रत जाफर बिन अबी तालिब के सामने जब भी मैंने सवाल किया, मैंने कुछ पूछा, उन्होंने भाप लिया कि अबू हुरैरा भूखे हैं, वो मुझको अपने साथ अपने घर में ले जाते, जो कुछ भी महाजर होता, जो कुछ भी खाने का सामान होता पेश कर देते थे। यहाँ तक के फरमाते थे कि कभी कभी ऐसा हुआ कि घी की खाली कुप्पी जो है उसमें घी मौजूद नहीं होता था, वो भी लाकर मेरे पास रख देते थे। हम लोग उस घी की कुप्पी को फाड़ कर उसमें जो घी लगा होता था उसको चाट लिया था। इस तरह से सैयदना हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला फ़क़रा और मसाकीन और गरीब सहाबा की इमदाद किया करते। तो इसीलिए हुजूर ने आपका लकब अबुल मसाकीन रख दिया। जब कुफ्फार मुशरिकीन के ज़ुल्म सितम बहुत बढ़ गए
तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की इजाज़त से बहुत सारे मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा की तरफ जब हिजरत के लिए निकले तो उस वक्त उन मुसलमानों के साथ हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे। हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब अपने साथियों के हमराह हबशा पहुँचे तो उस वक्त हबशा के बादशाह जिनका लकब नजाशी था, लोग नजाशी नाम ही समझते हैं, जबकि उलमा ने सराहत फरमाई है जिस तरह से ईरान के जो बादशाह होते हैं उस जमाने में जो बादशाह हुआ करते थे उनको किसरा कहा जाता था, रूम के बादशाहों को जिस तरह से कैसर कहा जाता था उसी तरह से हबशा के बादशाहों को उस वक्त नजाशी कहा जाता था। तो हजरत नजाशी को लोग समझते कि यही उनका असल नाम था। अल्लामा इब्न हजर असक़लानी ने अलिसाबा में नक़ल फरमाया कि नजाशी, हजरत नजाशी का नाम जो है असल नाम था असहमा बिन अबहर। ये हजरत नजाशी का असल नाम था असहमा बिन अबहर, और जो है ये हबशा के उस वक्त बादशाह थे इसलिए उनको नजाशी कहा जाता था। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे तो हजरत नजाशी ने जो है बड़ी तकरीम की और मुसलमानों का ताउन किया, और जो है ये जब खबर कुफार मुशरिकीन को पहुंची कि मुसलमानों को हबशा के अंदर चैन सुकून मिल गया है, हमको उनके पर जुल्म सितम का मौका हाथ नहीं लगेगा, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक वक्त जो है कुफार मुशरिकीन का बहुत सारा माल मता लेकर जो है हजरत नजाशी की बारगाह में हाजिर हुआ। उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। तो हजरत नजाशी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद मुसलमानों की बुराई करना शुरू कर दी और ये कहा कि इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। तो उस वक्त मुसलमानों को उन्होंने अपने दरबार में तलब किया कि इनके एतराज़ के जवाब दो, जो कुफार मुशरिकीन आपके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, आपके ताल्लुक से जो बातें कह रहे हैं इन बातों का जवाब दो। तो मुसलमानों ने उस वक्त जो है अपना नुमाइंदा हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने हजरत नजाशी के दरबार में बड़ी वलवला अंगेज तकरीर फरमाई, इस्लाम के औसाफ का जिक्र फरमाया और जो एतराज़ात कुफार मुशरिकीन कर रहे थे उन एतराज़ात के बड़े मुदल्लल और मुफस्सल जवाब थे। जब उन एतराज़ात के जवाब को नजाशी ने सुना तो मुतमईन हो गए। फिर हजरत नजाशी ने कहा कि जो किताब तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल हुई है उस किताब की चंद आयतें पढ़कर सुनाओ। तो हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तदाई आयतें तिलावत करनी शुरू की। जब आपने सूरह मरियम की इब्तदाई आयतें तिलावत करना शुरू की तो उन आयतों का असर यह हुआ कि हजरत नजाशी जो है उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन कुरान की असमत देखिए कि कुरान अजीम सुनने के बाद नजाशी जो कि नसरानी थे उनके ऊपर कुरान अजीम की आयतों का ऐसा असर हुआ कि रिक्कत दारी हो गई उनके ऊपर, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आज हम अहले ईमान हैं लेकिन कुरान अजीम सुनने के बाद ना तो हमारी आंखों से आंसू जारी होता है ना ही हमारे अंदर खौफ और खशियत की कोई कैफियत तारी होती है, जबकि आदाब बयान किए गए कुरान अजीम की तिलावत की। हदीस पाक में बयान किया गया है कि जब कुरान अजीम की तिलावत की जाए तो ये कोशिश हो कि रोना आए, अगर रोना ना आए तो कम से कम आदमी तिलावत करते वक्त इस बात की कोशिश करे कि रोने जैसी शक्ल बना ले। इसी तरह से दुआ के ताल्लुक से फरमाया गया कि जब दुआ करो तो इस तरह से करो कि रिक्कत तारी हो जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम रोने जैसी सूरत बना लो तो अच्छों की मुशाबहत की वजह से अल्लाह तुम पर भी रहम फरमाए। तो हजरत नजाशी जो है वो उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने जो है कुरान को सुनने के बाद उनके ऊपर रिक्कत तारी हुई। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब काफिरों और मुशरिकों ने ये देखा कि हमारा ये वार नाकाम चला गया तो उन्होंने कहा कि आप इनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछिए। दूसरे दिन हजरत नजाशी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पूछा कि आप लोगों का ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जानिसार सहाबी
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی برملا یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ جو تثلیث کا عقیدہ کچھ لوگوں میں اس وقت عیسائیوں میں کچھ عیسائیوں میں موجود تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے کا عقیدہ یا خدا کا بیٹا سمجھنے کا جو تصور ہے یہ اس وقت بھی بعض عیسائیوں میں موجود تھا. تو آپ نے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, یہ ذکر فرمایا. اور جو ہے جب یہ سننے کے بعد, اس لیے کہ یہ بعض عیسائیوں کے عقیدے کے برخلاف تھا, تو اس وقت نجاشی کے درباری چلانے لگے, لیکن آپ نے فرمایا, نجاشی نے فرمایا کہ جو عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا ہے وہی درست اور صحیح عقیدہ. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت نجاشی بہت بڑے عالم رہے ہوں گے, ورنہ درباری پادریوں کی تردید کرنا ممکن نہیں ہوتا. انہوں نے تردید کی کہ جو عقیدہ جو ہے درباری پادریوں کی تردید کی, اور یہ کہا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو بیان کیا وہ صحیح. تو اس طرح سے حضرت نجاشی کے دربار میں آپ نے ورملا انگیز تقریر کی اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرمایا, قرآن عظیم کی آیتوں کی تلاوت کی, تو اس کی وجہ سے حضرت نجاشی اسی وقت متاثر ہو گئے تھے اسلام سے. حضرت شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہت القاری شرح بخاری کے اندر طبقات ابن صاحب کے حوالے سے نقل فرمایا کہ جب حضرت سیدنا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کے محاسن کو بیان فرمایا, اسلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا, تو ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا, لیکن اسلام قبول آپ نے بات نہیں کی. اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بادشاہان مملکت کو عرب کے ارد گرد جو اسلامی ریاستیں موجود تھیں, اسلامی حکومتیں موجود تھیں, ان حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط ارسال کے لیے خط بھیجے, تو ایک خط آپ نے حضرت سیدنا نجاشی کی خدمت میں بھی روانہ فرمایا, حضرت نجاشی کے پاس بھی بھیجا. اور اس وقت جب یہ نامہ مبارکہ حضرت نجاشی کے پاس پہنچا تو آپ جو ہے تخت پر بیٹھے, تخت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, نامہ مبارک کو حضور کے کا جو خط تھا اس مبارک خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا, بوسا دیا, آنکھوں سے لگایا اور زمین پر بیٹھ گئے. حضرت نجاشی نے اس نامہ مبارک کی اتنی تعظیم کی کہ جب معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خط میرے پاس اسلام کی دعوت کے لیے آیا ہے, تو یہ سننے کے بعد تخت پر سے اٹھ گئے. بادشاہ تھے اس زمانے میں, عام لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے, پورا عرب مسلمان تو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا, کچھ لوگ جو ہے عربوں میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بادشاہ تھے. اس کے بعد بھی جو یہ تعظیم کی انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور فضیلت ہوئی کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ, ایک نصرانی بادشاہ کے اسلام کا باعث بنے. تو ایسے جلیل القدر حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے غزوہ موتا میں شرکت فرمائی. اس غزوے کی تفصیل بتاتے ہوئے محدثین نے اور علماء تاریخ نے, ارباب سیر نے بیان فرمایا کہ نصرانیوں کی تعداد 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب لشکر کو تشکیل دیا تو سب سے پہلے اپنے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت زید جب شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر جب شہید ہو جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے جب شہید ہو جائیں گے تو مسلمان جن کو اپنا امیر مقرر کر لیں گے وہ ان کا امیر ہو جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی سبب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم تھا کہ اس غزوے کے اندر, اس جنگ کے اندر حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی شہید ہوں گے, اسی لیے تو فرمایا کہ ان کے شہید ہونے کے بعد علم جو ہے وہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب سنبھالیں گے. پھر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو
तो उनके शहीद होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है उस इस्लामी लश्कर का आलम संभालेंगे। उसके बाद फरमाया कि अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको अपना अमीर मुकर्रर कर ले वो इस लश्कर का अमीर होगा। तो इस लश्कर में वैसा ही हुआ। मुसलमानों ने नसरानियों के साथ बड़ी बेजिगरी के साथ मुकाबला किया, बड़ी कुरेजी हुई, बड़ी शिद्दत की जंग हुई और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए। हज़रत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब का मैंने जिक्र किया कि इस्लाम में सबसे पहले घोड़े की टांग काटने वाले ये उलमा ने इसका खुसूसी जिक्र करवाया कि जब ये जिहाद कर रहे थे रूमियों के साथ तो घोड़े से गिर पड़े। अब घोड़े से गिर पड़े तो बड़े जोश और खरोश के साथ काफिरों को नसरानियों को कत्ल कर रहे थे। घोड़े से गिरने की वजह से ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुक गया। बहुत गुस्सा आया तो आपने अपने घोड़े की टांग काट दी। इसने मुझे अपनी हरकतों से गिरा दिया तो आपने घोड़े की टांग काट दी और उसके बाद पैदल जो है कुफार मुशरिकीन से नसरानियों के साथ जिहाद करते रहे। एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ से अलम पकड़ लिया, दूसरा हाथ कट गया, दूसरे हाथ से अलम पकड़ लिया, दूसरा हाथ भी कट गया तो उसके बाद अपने दांतों से अलम पकड़ लिया, झंडे को दांतों से पकड़ लिया। लेकिन कुफार मुशरिकीन ने एक साथ यलगार की और सैयदना जाफर की अभी तालिब रजी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया और अल्लाह तआला ने उनके दोनों कटे हुए बाजुओं के एवज में उन्हें दो बार अता फरमाए और वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ मिकाइल अलैहिस्सलाम के हमरा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हमरा वो जन्नत में परों के साथ होते। बल्कि यहाँ तो हदीस में जो मैंने जिक्र किया कि दुनिया में भी उनके हमरा तशरीफ लाए। उन्होंने जब भी तो सलाम का जवाब दिया, आपने फरमाया हदीस के अल्फाज हैं कि ए अस्मा, ये इनकी जौजा थी सैयदना जाफर बिन अबी तालिब, ए अस्मा अभी अभी जो जाफर जिब्रील अमीन के साथ मिकाइल अलैहिस्सलाम के साथ इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ गुजरे हैं और उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनके सलाम का जवाब दिया, तुम भी उनके सलाम का जवाब दो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के तस्लीम के गुलामों की शान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तआला अपने महबूब तानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदर फेर इन मुकद्दस महबूबान बारगाह के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना मजबूत बातें हमें अता करें, अगर हम कहीं गलती करें तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी, आप मेहमान मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूअर्स तक फॉरवर्ड करता है। तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेहमान मिल्लत चैनल को भी ग्रो बारिश है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।